हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे UKPSC की नई भर्ती के बारे में। UKPSC ने दोस्तों नई भर्ती फाइनली निकाल दी है। काफ़ी समय से दोस्तों इसका वेट हो रहा था। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परीक्षा पैटर्न, शुल्क, आयु सीमा, सबके बारे में दोस्तों बात करेंगे। परीक्षा पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं क्योंकि UKPSC ने दोस्तों भर्ती पहले निकाली थी। आज की वीडियो में दोस्तों सब कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली UKPSC ने भर्ती निकाल दी है प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। समूह गौ परीक्षा 2023 विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की है 5 अगस्त 2023। ऑनलाइन आवेदन की भैया अंतिम तिथि रहेगी 25 अगस्त 2023, यानी कि रात्रि 12 बजे तक आप भर पाएंगे। उससे पहले भर लेना, तब तक का वेट मत करना। और दोस्तों आप देखते हैं कि भैया इसमें कितनी पोस्ट निकली है, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों आप समझ लीजिए, उच्च शिक्षा विभाग में दोस्तों जैसे आपके महाविद्यालय है, कॉलेज, डिग्री कॉलेज उत्तराखंड के, वहाँ दोस्तों आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब आप वहाँ जॉब करेंगे। तो अच्छी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर कुल मिला के 107 पदों पर आपके लिए भर्ती निकाली है और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये कभी भी हो सकता है दोस्तों। पदनाम है प्रयोगशाला सहायक, कुल पदों की संख्या 107। वेतनमान दोस्तों आपका है लेवल 4, यानी कि 2400 ग्रेड पे। पद का स्वरूप परमानेंट है लेकिन अराजपत्रित है, NPS के अंतर्गत आता है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त परिषद यथा NIOS से उत्तीर्ण समकक्ष अर्हता। कहने का मतलब है कि आपने 12th किया होना चाहिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट के संग, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे। यानी कि अगर आप प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपका 12th में भौतिक विज्ञान फिजिक्स होना चाहिए। इसी तरह से आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 12th केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, ये साफ साफ इसमें लिखा गया है। इसके अलावा अगर आपने NIS से भी 12th किया होगा तो वो भी आपका चल जाएगा, साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अधिमानी अर्हता, अगर अधिमान आपको मिलेगा कब, देखिए अनिवार्य नहीं है, ध्यान रख देने वाली बात है। अधिमानी अर्हता है अगर आपने उसी सब्जेक्ट के संग अगर आपने BSc और MSc भी कर रखा है, लाइक अगर आप MSc फिजिक्स हैं तो आपको अधिमान मिल जाएगा। कंप्यूटर में अगर आपको 6 महीने का दोस्तों आपने किसी प्रतिष्ठित स्थान से अगर आपके पास प्रमाण पत्र होगा तब, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की सेवा दी हो या आपके पास NCC हो भी प्रमाण पत्र, तो आपको अधिमान मिल जाएगा। लेकिन ये अधिमानी अर्हता में है तो बहुत अच्छी बात है, अनिवार्य अर्हता में नहीं है। जैसे कि भैया असिस्टेंट स्ट्रेटजिकल ऑफिसर में हो रहा है कि भैया उसको अनिवार्य में डाल लें, तो कोशिश ये रहेगी कि भैया जो UKPSC उसको भी अधिमान में डाले तो बहुत बढ़िया रहेगा। आयु सीमा देख लेते हैं भैया, इसकी है 18 से लेकर 42 साल। 18 वर्ष से लेकर 42 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं भैया कितने कितने पद निकले हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रयोगशाला सहायक भौतिक में दोस्तों आपके कुल मिला के 18 पद निकले हैं, इसमें से 5 उत्तराखंड महिला के लिए हैं और दिव्यांग के लिए 1 पद निकला है। इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान है तो ध्यान रखना है कि इसमें इंटर केमिस्ट्री में चाहिए होगा, 18 और 5 दोस्तों इस तरह से पद निकले हैं यहाँ पर। इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान है तो इसमें आपके 21 पद निकले हैं। अब जंतु विज्ञान 12th में तो होता नहीं, तो आपको बायोलॉजी मांगेंगे 12th में। इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान है, वहाँ पर भी आपका 21 पद है तो इसमें बायोलॉजी मांगेंगे। प्रयोगशाला सहायक भूगोल है तो आपसे इंटर में भूगोल मांगेंगे, 18 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, इसमें 2 पद हैं। इसी तरह से प्रयोगशाला सहायक साइकोलॉजी है मनोविज्ञान, यानी कि इसमें 3 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक मानव विज्ञान, इसमें 1 पद है। इसी तरह से BSc गृह विज्ञान है तो इसमें आपके 2 पद हैं और इसके अलावा शिक्षा शास्त्र है, इसमें भी आपके 3 पद दोस्तों निकले हैं। कुल मिला के 107 पदों के लिए दोस्तों ये आपका विज्ञापन निकल चुका है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपकी आयु गणना की निश्चायक तिथि आपकी 1 जुलाई 2023 है। 1 जुलाई 2023 से दोस्तों आपकी जो आयु है उसकी दोस्तों गणना की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और भी दी है, ये क्या लिखा गया देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। उक्त पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34 दिनांक 30 जून 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु की गणना की विनिश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना है कि जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनकी आयु तिथि 1 जुलाई 2020 से मानी जाएगी। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं, पहले प्रश्न पूछने लग जाते हैं, तो देख लेना कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो उनके लिए 1 जुलाई 2020 दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका आपको लाभ कैसे मिलेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या के क्रम में अधिकतम आयु की सीमा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य मिले होगा जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। कहने का मतलब है कि जब आपने अप्लाई किया होगा दोस्तों, तो उस समय पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने डालना पड़ेगा। कि खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ओवर एज हो चुकी है, उस समय पर तो वो थे एज में थे, अब वो ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा जब आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है ना। तो अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के पूर्व विज्ञापन संख्या 34 दिनांक 30/6/2021 के क्रम में किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने उस समय पर जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरा होगा उसकी फोटो स्टेट भी निकाल के वहाँ पर ले जानी पड़ेगी जब आपका अभिलेख सत्यापन होगा। अभिलेख सत्यापन जब आप निकाल लेंगे टेस्ट, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा UKPSC, तो आपको वो फॉर्म भी लेके आना पड़ेगा जो आपने पहले भरा था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब वर्तमान विज्ञापन में अधिकतम आयु में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में किनको छूट मिलेगी, अभी में जो लोग दोस्तों कैटेगरी से आते हैं SC ST OBC, तो दोस्तों इनको मिलती है। तो आपको पता है कि भैया जैसे SC है उनको 5 साल की छूट मिल जाती है, ST को भी 5 साल की छूट मिल जाती है अपर एज में, ठीक है। OBC को आपकी 3 साल की है, कई जगह 5 साल की है, तो इसको आप देख लेंगे। इसका मैं आपको विज्ञापन पूरा का पूरा डाल दूंगा, आप इसको एक बार ज़रा चेक कर लेना कि भाई कितनी साल की छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद दोस्तों इसमें एक और चीज़ है जिसको आपने समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे पेचीदा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, और वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी आपके जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी पेचीदा से रहते हैं, उनका जवाब देना कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैंने बताई होती हूँ चीज़ें। लेकिन एक बार फिर से देख लो भाई, आप लोग में से कई लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ के हैं वहाँ के, क्या अप्लाई कर पाएंगे। देखिए कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, इसके लिए दोस्तों वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएगा जिसने हाई स्कूल इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड से उत्तीर्ण की हो। अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से उत्तीर्ण किया है तभी जाके दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह है कि सेवायोजन है, सेवायोजन कार्यालय में जो पंजीकरण है वो दोस्तों उसकी अनिवार्यता के बारे में इन्होंने बताया है। देखिए जो शासन में आपको क्या है, उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा की परिधि के बाहर समूहों के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 के नियम 4 के अनुसार UKPSC की परिधि के अंतर्गत समूहों के पद पर सीधी भर्ती है, तो वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। तो कहने का मतलब है कि अंतिम तिथि तक आप दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अगर अभी आपका सेवायोजन में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो करवा लेना, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो लोग पहले से उत्तराखंड गवर्नमेंट की पोस्ट में है या फिर किसी राज्य के अंदर गवर्नमेंट सेवा में है, तो फिर उनको एक NOC की आवश्यकता होती है, उनके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉइंट को आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली बात करेंगे शुल्क की, तो शुल्क दोस्तों आपको कोई नहीं पढ़ने वाला है इसमें। शासनादेश संख्या दिनांक 23/7/2022 व शासनादेश संख्या इतने के क्रम में मान्य आयोग के निर्णय में दिनांक इतने के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है, यानी कि दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दोस्तों परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न दोस्तों इसका पहले अलग था, अभी दोस्तों अलग हो चुका है। पहले आपने ध्यान में रखना है कि जो परीक्षा पैटर्न है दोस्तों अब आपका वो है भैया, अब आपके होने वाले हैं 2 पेपर। लिखित परीक्षा आपकी होने वाली है वस्तुनिष्ठ टाइप की, मतलब कि आपसे MCQ पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न पत्र 1 होगा, प्रश्न पत्र 2 होगा। पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य दिन के दोस्तों आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों फिर आपकी एक सब्जेक्टिव नॉलेज आपसे पूछी जाएगी जो कि 200 प्रश्नों की संख्या होगी, इसमें अधिकतम आपको 200 मिलेंगे, इसके लिए आपको 3 घंटे का दोस्तों समय मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए दोस्तों यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं, एक शिफ्ट में एक पेपर होगा, एक शिफ्ट में दूसरा पेपर होगा। और इसमें ध्यान रखना है कि आपके कुल अंक कितने हैं, 300 में से दोस्तों आपकी यहाँ पर मेरिट दोस्तों बनने वाली है। देखिए प्रश्न पत्र 1 सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा,
और जो प्रश्न पत्र दो है फिर ये आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप फिजिक्स वाले तो फिजिक्स को सेलेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री वाले तो केमिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, तो जो आपकी योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको चुनेंगे प्रश्न पत्र दो, यानी प्रश्न पत्र दो में आपके पास चॉइस रहेगी। प्रश्न पत्र वन जो है वो सबके लिए कॉमन होने वाला है, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, हमेशा से होती हुई आई है, ठीक है। आप देख लो कि भैया इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपको 100 अंकों का दोस्तों ये रहेगा पेपर, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था आपसे पूछी जाएगी, भारत का भूगोल एवं जनांकी, इसके अलावा सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकी, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, और इसके अलावा दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षण भी आपसे लिया जाएगा। तो ये दोस्तों कुल मिला के 100 नंबर का प्रश्न ये दोस्तों बनने वाला है, ये आपके लिए कॉमन सिलेबस रहेगा, ठीक है, ये अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए चॉइस रहेगी, भौतिक विज्ञान आप देख सकते हैं इसमें प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी, तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों, सबका अलग अलग है। इसके अलावा फिजिक्स का ये आप देख सकते हैं, फिजिक्स का सिलेबस ये है, फिर केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आप तैयारी करेंगे। इसका जो लेवल है अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो लेवल है दोस्तों वो आपका 12th ही दोस्तों है, क्योंकि 12th की योग्यता है, तो आपसे 12th का ही इससे दोस्तों लेवल रहेगा, 12th या फिर आप इसको कह सकते हैं 10th, थोड़ा सा 10th का हायर, 10th और 11th 12th आपका दोस्तों इसका सिलेबस का लेवल रहने वाला है। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है, अगर आप दोस्तों अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप दोस्तों यहाँ पर इस टेस्ट को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।